प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 2100 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और इस योजना की सौगात के लिए प्रधानमंत्री बनारस पहुंचने वाले हैं। लेकिन आज उनके आने से पहले हम आपको एक पीएम मोदी के ऐसे समर्थक से मिलाने जा रहे हैं जिनको देखकर आपको आश्चर्य तो होगा ही, साथ ही साथ इनके जो पूरा सेटअप है उसको देखकर भी आपको थोड़ा अचरज होगा। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक चाय वाले जो हैं वो अपना पूरा सेटअप लेके चल रहे हैं। उनके पीठ पर देखिए डस्टबिन बंधा हुआ है, हाथ में जो इनके बाल्टी है उसमें ये सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें थी वो लिख रखा है। चाइना को जवाब देने की बातें भी इन्होंने अपनी भट्टी पर लिख रखी हैं। और देखिए पूरा चाय बनाने का इनका प्रोसेस किस तरह से यहाँ पर लोगों को चाय पिला रहे हैं। और पीएम मोदी के ये इतने बड़े फैन हैं कि ये यहाँ पर लोगों को चाय सर्व कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रधानमंत्री के समर्थन में है। और इनके सर पर भी देखिए बालों को इन्होंने इस डिज़ाइन से कटवाया है कि उसमें भारत का नक्शा है और पीछे जय हिंद लिखा हुआ है। हम बात करते हैं, भैया आपका क्या नाम है? जी सर नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है, मैं बिहार मुजफ्फरपुर जिला का रहने वाला हूँ। सैनी जी ऐसा क्यों जरूरत पड़ गई ये सब करने की? सर मेरा एक सपना है मोदी जी को अपने हाथ से कप चाय पिलाना, इसलिए मतलब प्रयास करते हैं, चाय बेचते हैं कि मोदी जी तक चाय पिलाने। तो मोदी जी भी पहले चाय बेचते थे? जी सर। हाँ। तो एक बार ना मोदी जी से ही मिली, बाद में हम भी चाय बेचना शुरू किया। क्या किए हैं आप, कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है? जी सर हम जहाँ पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन नॉन मैट्रिक है, उसके बाद जो है 6 साल से हम लगभग चाय बेच रहे हैं। 6 साल जी। बनारस में कब से? बनारस में सर ये दूसरी बार हम आए। दूसरी बार है, मतलब आप मुजफ्फरनगर में जब रैली होती तब आते हैं? जी सर। जहाँ भी प्रधानमंत्री? जी सर, कोशिश करते हैं कि जहाँ भी मोदी जी का कार्यक्रम हो वहाँ हम पहुँचे। तो ये सब लेके चलते हैं? हाँ सर बिल्कुल सर, लेके चलते हैं। अच्छा तो दिन में कितना कमा लेते हैं? सर 600-700 रुपया कमा लेते हैं। 600-700 रुपया। तो अब प्रधानमंत्री जी को बस एक सपना है कि चाय पिलानी है, उसके बाद मेरी सारी इच्छा सर पूर्ण हो जाएगी। निश्चित रूप में मोदी जी है, मैं उनको अपने प्रेम क्यों मोदी जी, मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ। भगवान ये देखिए ये है नेताओं के प्रति भारत में लोगों का प्रेम और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जिस तरह का समर्पण ये लेकर चल रहे हैं, शायद आज के दौर में लोगों के प्रति गंभीरता और लोगों के प्रति एक विश्वास होने का प्रतीक भी है। और इस तरह की चीज़ें करके प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक अपना समर्पण का भाव व्यक्त कर रहे हैं। वाराणसी से गोपाल मिश्र, ईटीवी।